तो हेलो गाइज, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आईफोन 13 है गाइज, जिसको मैंने जो अपडेट आया स्टेबल 18.0.1 का, उसमें मैंने इसको अपडेट कर लिया है। इसमें आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है गाइज, उसके बारे में बात करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के अपडेट के रिगार्डिंग वीडियो आपके पास आते रहेंगे। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ इसके जो, ठीक है, अपडेट में जाके आपको यहाँ पे चेक करा लेता हूँ गाइज मैं, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो iOS 18.0, ठीक है, मैंने इसमें अपडेट कर लिया गाइज। तो गाइज, इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है उसके बारे में मैं आपको बात कर लेता हूँ। तो गाइज, ये जो अपडेट है मेन तौर पे आईफोन 16 और 16 प्रो के लिए लाया गया है, क्योंकि उनमें बहुत सारे दिक्कत आ रही थी, कैमरा फ्लिपिंग वगैरह और लैग इशू बहुत कुछ आ रहा था, उसके लिए ये अपडेट मेन तौर पे लाया गया है। और बहुत सारे यूजर्स क्या है जो डर रहे थे कि iOS 18 में, आईफोन में 13 के अंदर मेन तौर पे बहुत सारे बोल रहे थे कस्टमर, ग्रीन स्क्रीन आ गया है, वो आ गया है, ठीक है, ग्रीन लाइन आ चुकी है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस ख़राब हो गया है। तो गाइज, जो भी डर रहे थे, तो वो iOS 18 को जिसने भी अपडेट नहीं किया, तो इसको आप आराम से अपडेट कर सकते हो iOS 18.0 को। कोई भी इसमें गाइज दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने कर लिया है, iPhone 13 है और इसमें कोई भी दिक्कत अभी तक मुझे इसमें देखने को नहीं मिली है। और गाइज, मुझे लग रहा है कि पहले से फ़ोन काफ़ी स्मूथ हो गया है और बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है इसका। आपको मैं बैटरी हेल्थ भी चेक करा लेता हूँ गाइज, ठीक है। मैंने आउट ऑफ बॉक्स जो अपडेट आया था उससे डायरेक्ट ना, मैं 17 अपडेट के कुछ भी नहीं किया, आप डायरेक्ट जो iOS 18.1 का अपडेट है उसको आप कर सकते हो। बैटरी हेल्थ मेरी अभी तक 100% है गाइज, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 100% बैटरी हेल्थ है और डिवाइस पहले से काफ़ी अच्छा हो गया, बैटरी बैकअप वगैरह जो भी आप जो ऐप ओपनिंग है स्मूथ वगैरह है, काफ़ी अच्छा हो गया। और कंट्रोल सेंटर में भी एक दो बग्स वगैरह थे वो भी फिक्स हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी अच्छा इसका UI वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज, जो भी यूजर्स है जिसके पास आईफोन 13 है, वो डर रहे हैं कि मैं अपडेट करूँ या ना करूँ, तो गाइज बिंदास होके आप इस अपडेट को कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा अपडेट है, जब भी आप अपडेट करो तो मोबाइल की आपकी जो स्टोरेज है कम से कम 10 से 12 GB खाली होनी चाहिए और जो बैटरी परसेंटेज है, ठीक है, वो कम से कम 50% से ऊपर ही होना चाहिए गाइज, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैटरी कम रखते हैं, स्टोरेज फुल होता है, इस वजह से वो जो दिक्कत आती है ग्रीन लाइन स्क्रीन वगैरह जो भी है इस वजह से आती है। बाकी अपडेट्स तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आईफोन 13 में अभी तक। जो पहले प्रॉब्लम आई थी आईफोन 13 प्रो वाले मॉडल में आई थी, लेकिन नॉन प्रो वाले मॉडल में अभी तक ऐसा कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला है। और गाइज, आपको हमेशा जो भी है अपडेट करना है तो फ़ोन को धूप में नहीं रखना, थोड़ा कूलिंग एरिया हो, ठंडे वाला एरिया वहाँ पर रख के कवर को ओपन करके फिर आपको अपडेट करना है, तो आपको गाइज कोई भी अपडेट में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी गाइज। तो गाइज, पहले मैंने भी अपडेट नहीं किया था, मैंने भी यही सोचा था कि iOS 18 का अपडेट नहीं करूँगा, जब कोई नया अपडेट रिलीज होगा वही अपडेट करूँगा। ऐप ओपनिंग वगैरह गाइज जो भी है काफ़ी फास्ट है, आप देख सकते हो, और आपको वीडियो में दिख रहा होगा कितनी ज़्यादा स्मूथनेस लग रही है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, हर कोई भी ऐप्स ओपन कर रहा हूँ तो एकदम अच्छे से हो जा रहा मक्खन की तरह, और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो गाइज, कोई भी ऐप क्रेश वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें आपको देखने को नहीं मिल रही है गाइज, ठीक है गाइज, काफ़ी अच्छा अपडेट है गाइज ये। और अगर आपको लगता है कि भाई अभी भी डर है कि अपडेट नहीं करूँ, तो गाइज नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लेना, बाकी मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं गाइज, सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल मक्खन के जैसा स्मूथ चल रहा है, कोई भी इसमें मुझे दिक्कत देखने को गाइज अभी तक नहीं मिला है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका फ़ोन एकदम अप टू डेट रहे, तो गाइज इस अपडेट को मेरे पे ट्रस्ट करके आप कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है गाइज। बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, जो ये कंट्रोल सेंटर है इसको कस्टमाइजेशन कैसे करना है आपको, उसका भी वीडियो आएगा, और जो iOS 18 का जो अपडेट है उसका भी फुल फीचर्स का वीडियो जो है बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, अच्छे से फीचर्स को सब कुछ समझ के। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि यह पावर बटन का मेन्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट फ़ोन को पावर ऑफ वगैरह कर सकते हो, ये देख सकते हो, ये नया फीचर्स है गाइज। और जो मेन अपडेट है ये iOS जो 18.1 का है, iPhone 16 और
आईफोन 16 प्रो के लिए आया था। तो ये गाइज यही था, अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो आईफोन 13 को कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।